उत्तर प्रदेश में हजारों ऐसे पीड़ित देखने को मिलेंगे जो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें जल्द न्याय नहीं मिलता। कुबेर गुप्ता अपनी पत्नी व मृतक दीपक गुप्ता के दो बच्चों को लेकर बांदा डीईजी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। जहां तक देखने व सुनने को मिलता है, अगर आरोपी पूंजीपति है, नेताओं व अधिकारियों की जाति का है, तो वह कितना भी बड़ा जुर्म किए हो उस पर जल्दी कार्यवाही नहीं होती। मामला जनपद के सरधुवा थाना क्षेत्र के ग्राम अरछा बरेठी का है, जहां 27 मार्च 2024 को प्रदीपक गुप्ता की हत्या हुई थी। पुलिस द्वारा हत्या का मुकदमा लिखा गया है, लेकिन अब तक हत्या के मुख्य आरोपी आजाद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक न्यूज़ सच की खास रिपोर्ट। और उसको और आज मैं 5 महीने से भाग दौड़ कर रही हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं साहब हो रही। चलिए आप रोइए नहीं, न्याय चाहिए मुझे। आप रोइए नहीं और आपको संविधान के ऊपर आप भरोसा रखिए, ठीक है। इसके आगे फिर क्या हुआ? फिर उसको मानी मेरी बहू बच्चलन थी, अगर तुम रखे थे उसको तो खुले आम रख सकते थे, या तुम लेके भाग जाते। किसी से अफेयर चल रहा था? हाँ, या तुम भाग जाते, लेके आगे मेरे लड़के की जान क्यों ले ली? और फिर मेरे लड़के की जान लेने के बाद मुझे 1 लाख रुपए देने को कहा जा रहा है, आ रहा है उनके द्वारा कहा जा रहा है, पिंकू सिंह के द्वारा। अच्छा, टिंकू सिंह। हाँ, पिंकू। अच्छा, पिंकू सिंह। हाँ, उनके द्वारा कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है 1 लाख रुपए आप ले लो और इस बात को यहीं पर रहने दो। तो सर मैं कहती हूँ कि ठीक है, मुझे 1 लाख रुपए जो दे रहा है, मैं इनको 10 लाख रुपए दे रही हूँ, मेरे लड़के की जान दे देंगे। देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि ये समय बिल्कुल फिर अनाथ हो गए हैं, क्योंकि इनके पिताजी की हत्या की गई है और इनकी जो माँ है वो इस समय जेल में है। देख सकते हैं आप किस तरफ है। आइए हम और कुछ भी जानकारी लेते हैं। इसके बाद फिर कुछ कानूनी कार्यवाही हुई? जो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।